ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट थ्री। इसमें हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट कि जो सिक्स हमारी रेशियोज हैं उनका अलग अलग यू नो फोर क्वाड्रेंट है तो उनमें साइन क्या होता है, माइनस होगा प्लस होगा, तो वही मैंने बोला रटना नहीं है समझना है। ओके तो अब हम ये लोग करते हैं, समझते हैं इसको हम लोग अब। ओके ये देखिए कार्टेशियन प्लेन हुआ, पहले से समझिए, यू नो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसमें इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, यू नो। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एंड वाई दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, यहाँ पे x पॉजिटिव एंड y सॉरी x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, देयर इज बोथ आर नेगेटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो ये देखिए इस तरह से होता है कि ये जो ना ये देखिए प्लस प्लस है ये और ये माइनस माइनस है, तो दोनों प्लस, यहाँ पे ये देखिए माइनस हो गया x वाला और ये प्लस का, ये दोनों माइनस, ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये देखिए ये मैंने ये आपका x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ये हमारा वो है आपका कार्टेशियन प्लेन है, x एंड y है और यहाँ पर x रेडियन का एंगल है, तो नॉर्मल सी बात है, मतलब ये x हुआ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, एक्स वाई है तभी x रेडियन हुआ। तो अब ये मूव करेगा, सपोज जब पहले यहाँ पर है, तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं, कॉस एक्स एंड साइन एक्स, जो एंगल है वाई है तो कॉस वाई साइन वाई, जो भी एंगल है मीन्स कॉस एंड फिर साइन, तो एक्स एक्सिस कॉस हुआ एंड वाई साइन, मीन्स कॉस बताता है डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस एंड साइन बताएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस, राइट, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया x क्वाड्रेंट, ये आपका और ये हो गया y, ओके राइट। तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर cos x है, तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए इस वाले में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इट मीन्स दोनों क्या होंगे, ये पॉजिटिव होंगे, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब ये वाला मूव करके इसमें आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये मूव करके अभी हम कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज ही कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही ले रहे हैं, मूव करके ये वाला इधर आ गया, तो इट मीन्स यहां किस में आ गया, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर कॉस एक्स एंड साइन एक्स देखिए क्या होता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, मीन इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, कॉस की नेगेटिव एंड साइन की पॉजिटिव। अब ये मूव करके कहां पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, कॉस एक्स साइन एक्स, तो देखिए यहां दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कॉस भी और साइन भी। अब फिर से मूव करके किस में आ गया, ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, पहले इसको माइनस वाले को हटा देती हूँ मैं, इसमें आ गया, तो यहां से फिर से कॉस एक्स और साइन एक्स, कॉस हो गया पॉजिटिव एंड साइन हो गया नेगेटिव। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि कॉस किसको, एक्स को एंड साइन वाई को, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस और माइनस है, थर्ड में माइनस माइनस और ये माइनस प्लस, राइट, ठीक है। अब देखिए यू नो टेन इक्वल्स टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो इट मीन्स टेन भी पॉजिटिव का हो गया, 10 पॉजिटिव है तो 10 का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस भी पॉजिटिव का हो गया, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का ही है, तो ये ऑल आर किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुए, ऑल क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ऑल क्या हो गए, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव हो गए, ओके राइट। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड देखिए साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है, तो 10 क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस, इट मीन्स नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, कॉट भी नेगेटिव हो गया, कॉसेक साइन का अपोजिट है तो कॉसेक पॉजिटिव हो गया और सेक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे और ऑल क्या होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन कॉस सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे।
अब देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में दोनों नेगेटिव थे, तो 10 में क्या हुआ, साइन अपॉन कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, बाकी हो गया। तो यदि साइन कॉस है तो बाकी तो हम निकाल सकते हैं, तो यहां पर क्या हुआ 10 और कॉट ये दोनों क्या हुए, पॉजिटिव हुए, और बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। अब देखिए फोर्थ में, देखिए फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव है, तो यहाँ 10 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, साइन का अपोजिट कॉसेक नेगेटिव एंड कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव, इट मीन्स कॉस और सेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ये समझाने के लिए था, क्योंकि ये तो सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो इट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज और जो 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 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह लीजिए, रेशियो कह लीजिए यहाँ पर, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ पर फंक्शन की बात चली तो ऑल जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, क्योंकि यहाँ हम रेडियन की बात कर रहे हैं, तो रेडियन की बात करें इट मीन्स फंक्शन, डिग्री मतलब रेशियो। ये मैं आपको क्लियर कर, दोनों में डिफरेंस क्लियर कर चुकी हूँ कि साइड एंड एंगल का रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एंड यहाँ पर हुआ ये किसमें, ये आपका रेडियन मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि इन्होंने जो फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाइन कर लिया है। तो इसमें सारे पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, तो इट मीन्स बाकी नेगेटिव हो गए, यहाँ पर 10 कॉस पॉजिटिव, यहाँ पर हुआ। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स एंगल है किसके बिटवीन होगा, 0 एंड पाई बाई 2 के बिटवीन होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यू नो दिस इज 0 पाई बाई 2 90, अगेन 180 मिस पाई, ये होगा 270 मतलब मिस 2 पाई बाई 2, अब पूरा राउंड हुआ तो 2 पाई। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बार बार मैं बताती हूँ मैं इसको, ये 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया पाई बाई 2, फिर पाई, फिर 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, पूरा राउंड क्या हो गया 2 पाई। तो यहाँ पर x क्या होगा, किसके बीच में होगा, यहाँ पर पाई बाई 2 और पाई के बिटवीन होगा। यहाँ पर x एंगल किसके बीच होगा, पाई एंड 3 पाई बाई 2 के होगा। यहाँ किसके बिटवीन होगा, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई के बिटवीन होगा। यदि हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज आ रहे हैं। अब यदि हम मतलब सब पॉजिटिव के हैं, हम यदि जाएंगे क्लॉक वाइज तो सब नेगेटिव होंगे, तो यदि हम क्लॉक वाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज यहां से जाएंगे, तो यहां पर जो एक्स का जो है होगा किसके बीच में होगा, यदि हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो एक्स किसके बीच होगा, क्योंकि यहां पे कितना हुआ पाई बाई 2 हुआ, ये मैंने बता रखा माइनस पाई बाई 2 होगा, तो मिस माइनस पाई बाई 2 और किसके बिटवीन होगा, 0 एंड माइनस पाई बाई 2 के बिटवीन होगा यहां पर। फिर अगेन यहां पर आएगा, तो यहां पर एक्स किसके बीच होगा, हम साइन की बात नहीं कर रहे, एक्स एंगल किसके बिटवीन होगा, यहां पर माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई के बीच होगा, ओके। अब यहां पर फिर हो गया, यहां पर आया, तो यहां देख किसके बीच होगा, यहां पर आ गया माइनस पाई, अगेन माइनस 3 पाई बाई 2, ये सब मैं पिछली वीडियो बता चुकी हूँ, तो किसके बीच होगा माइनस पाई और माइनस 3 पाई बाई 2 के बीच होगा। फिर इस वाले क्वाड्रेंट में किसके बीच होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 और 2 पाई और 0 के बीच होगा। तो अब इसको हमें लर्न कैसे करना है, देखिए हमें लर्न कैसे करना है, तो इसको देखिए लर्न करते हैं, ऑल स्टूडेंट कैसे याद करेंगे इसको, हम ऑल ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, ऑल से मिस सबके सब प्लस होंगे, स्टूडेंट मिस साइन, साइन का अपोजिट कॉसेक होगा प्लस का, टेक 10 एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, क्लास कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। तो ये आप लर्न रखेंगे, आपको खुद लर्न हो जाएगा कि कौन कौन से प्लस होंगे, राइट, ऑल हो गए,
साइन कॉस हो गए स्टूडेंट, टेक टेन आ गया, क्लास कॉस रे आ गया। और देखिए एंगल इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके बिटवीन होगा, जीरो और माइनस पाई बाई टू के, यहाँ पर पाई बाई टू एंड पाई के बिटवीन, पाई एंड थ्री पाई 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 टू, थ्री पाई टू एंड टू पाई। और यहाँ पर यदि हम ये तो गए एंटी क्लॉक वाइज, और यदि हम क्लॉक वाइज जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर किसके बिटवीन होगा, माइनस पाई बाई टू एंड जीरो के बीच होगा, ठीक है, इसके बीच होगा। यहाँ पर माइनस पाई बाई टू और इसके बीच होगा, यहाँ पर होगा माइनस पाई और माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच होगा, और यहाँ पर होगा माइनस पाई बाई टू और टू पाई के बीच होगा, इनके बीच होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है ग्राफ करेंगे इसके बाद में, और उसके डोमेन और रेंज के बारे में क्लियर हो करेंगे।